हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितु मंडल आज आप सबके लिए लाई हूँ चोलीगढ़ ब्लाउज का कटोरी। तो इसको जोड़ने का सही तरीका मैं आज आप सबको दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे कटोरी का निचला भाग। तो इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग करते वक्त चौक के निशान लगा लिए थे इस तरह। तो इस तरह आपको भी, अगर आपके डाइस में इस टाइप का कटिंग नहीं है तो आप देखिएगा। दो इंच के तो उसके गैप में निशान लगाना है आपको। अब इसमें इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह फोल्ड करके फिर ऐसे फोल्ड करना है। फिर कैंची की मदद से यहाँ पे छोटा सा एक लगा देना है, जिससे हमें पता चले कि हमारा निशान कहाँ पे है। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कट लगा लिया है। अब इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए गाइस, हमने दोनों पे अच्छी तरह से सिलाई डाल ली है। अब ऊपर से कट लगा देना है। देखिए, हमने कट लगा दिया है। अब ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करके ऊपर भी बीचों बीच कट लगाना है। देखिए, हमने ऊपर के पार्ट के बीचों बीच कट लगा दिया है। देखिए गाइस, अब हम नीचे वाले पार्ट को रखेंगे, इसका राइट साइड नीचे रखेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और कट से कट मिलाकर फिर सिलाई डालनी है। कपड़ा आपके साइड में अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में छाट लीजिएगा, लेकिन कट से कट मिलाना ज़रूरी है। तो अब हमने इसमें सिलाई डालनी है। देखिए गाइस, हमने अच्छे से सिलाई डाल ली है। अब देखिए, हमने कट डाला था, वो कट एक दूसरे के ऊपर है, तो कितनी अच्छी से कटोरी बैठ गई है। अगर कट नहीं बैठता है तो कटोरी भी सही नहीं बैठता है। अब पहले वाले की तरह दूसरे वाले को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने सिलाई डाल ली है। देखिए गाइस, हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट बैठ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक कर देना।